इंसान के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना हो तो वो क्या नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही कर गुजरने की तमन्ना लिए हैं ये सभी युवा। मथुरा के इन युवाओं ने मन में कुछ अलग करने की ठानी और हो गए शुरू अपनी मंजिल को पाने की जद्दोजहद में। इन युवाओं ने शुरुआत की मथुरा वाले प्रोडक्शन के नाम से एक चैनल की। इन सभी ने मिलकर एल्बम बनाने की शुरुआत की। पिछले एक साल में इन सभी जुनूनी युवाओं ने कई वीडियो एल्बम तैयार की जिसमें कॉमेडी, देशभक्ति, इमोशनल और प्रेम का संदेश यूट्यूब के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया जिसे लोगों ने खूब सराहा। बनी मैं तो कुबड़ा मेरी जोट कना कोई छोरा जड़ा तू मोकू बनी क्यों दूर खड़ी तेरे जोट किना कोई छोरी जनी तू मोकू बनी मैं तो कुबड़ा मेरी जोट कना कोई छोरा जड़ा तू मोकू बनी जोट की ना कोई छोरी जड़ी दिल की एक तमन्ना है तन माँ की बहू बनाने की जीवन की सारी खुशियाँ तेरे पामण में बिछाने की। मथुरा वाले प्रोडक्शन का एक वर्ष पूरा होने पर प्रोडक्शन के सभी सदस्यों ने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस जश्न में मथुरा वाले प्रोडक्शन के चैनल निदेशक दीपक चौधरी, प्रोडक्शन मैनेजर श्याम वरुण, पार्टनर आदित्य राजपूत के साथ प्रोडक्शन के बैनर तले काम करने वाले कलाकार भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड एक्टर सनी ठाकुर, चौधरी नरेंद्र पहलवान उर्फ रोहताश, गुंडा राज आदि मौजूद थे जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर आकाश शर्मा, स्टोरी राइटर मनिक ने मुख्य अतिथियों और कलाकारों के साथ अपने चैनल का वार्षिक उत्सव केक काट कर मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर मथुरा वाले प्रोडक्शन के बैनर तले और अमरीश कुमार और सौरव कुमार द्वारा निर्देशित शॉर्ट स्टोरी फिल्म किस्मत का ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। जीने भी दे दुनिया में इल्जाम ना लगा एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता वरना कोई कैसे कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों ने इन युवाओं की कार्य की सराहना की। वहीं चैनल के डायरेक्टर दीपक चौधरी ने इस संदर्भ में जानकारी दी। अपने चैनल के जन्मदिन मनाया, क्या कुछ सफलताएं हासिल की अभी तक और क्या कुछ नया है? सर बहुत कुछ पाया। सबसे मेन बात यह कि हमने ज्यादातर लोगों का प्यार पाया। हमने एक छोटा सा परिवार बनाया जो मथुरा वाले नाम हमने रखा। कुछ सोच के ही रखा कि मथुरा में श्री कृष्ण भगवान को इतना प्यार मिलता था, मथुरा का इतना नाम है दुनिया में, तो शायद मथुरा वाले नाम रख के हमें भी बहुत प्यार मिलेगा जो कि भगवान को मिला था। इससे हमें इतनी सफलता मिली है कि लोगों के दिलों पे आज हमारा छोटा सा छाप छूट चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं लोग, अपना सहयोग हमें दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मथुरा वाले चैनल, मथुरा वाले प्रोडक्शन हो चुका है। आज हमने एक साल मनाया इसका, ये जो
समारोह रखा है हमने, ये इसलिए नहीं रखा है कि हम अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इसलिए रखा है कि जो हमारी एक साल से हमारी जो परिवार जो फैमिली बना है, कोई अभी इस समय एक साल के अंदर किसी की जॉब लग गई, कोई बाहर चला गया, हमसे नहीं मिल पा रहा कोई, आज यहाँ पे मेरे सारे कैरेक्टर जितने थे परिवार के जितने मेंबर थे आज यहाँ पे सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है इन्हें देखकर। एक प्रोमो भी लॉन्च किया है आपने जो है। जी सर, हमने क्या है बनाया, एक स्टोरी बेस्ड प्रोमो है पूरा, इसमें 5 गाने शूट किए गए हैं जो कि हर एक हफ्ते में अपलोड किए जाएंगे मथुरा वाले प्रोडक्शन चैनल पे। ये पूरा स्टोरी बेस्ड है, इसका ट्रेलर आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लॉन्च किया है, किस्मत के नाम से एल्बम है हमारी। क्या कुछ कहानी है किस्मत की? कहानी ऐसी है कि अमीर परिवार की लड़की एक छोटे से गरीब परिवार के लड़के से प्यार कर लेती है, उसका भाई विलन है, दोस्ती के ऊपर सीन चल रहे हैं, सारे दोस्त हैं, बस इस प्रकार है सर कुछ, फिर आप देखिएगा वीडियो में। आज हमारे चैनल मथुरा वाले को एक साल पूरे होने पर बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका हमने बर्थडे मनाया। जिस प्रकार से राज किया है यहाँ के कलाकारों ने, क्या कहा उनके बारे में? हम कहेंगे कि कहते हैं कि बॉम्बे में ही आर्टिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल में जज्बा रखो आप तो हर कदम पर एक आर्टिस्ट है। और जैसे कि हमारे लीला वो एक आर्टिस्ट थी जो हमारे श्री कृष्ण ने की थी, आखिर हम भी तो उनके बच्चे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल के डायरेक्टर हमारे सनी दीपक भाई, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और हमारे सारे आर्टिस्ट हैं जो उनकी फुल तरीके से हेल्प करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें हम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, अपने ऊपर जज्बा रखें ना बराबर, क्यों नहीं होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम असफल होंगे, जो व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड है कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ तो बराबर वो होगा, सक्सेस होगा। जैसे दीपक भाई ने ये कर वो कर, यहाँ सुन वहाँ सुन, सारी मुसीबतें सहकर आज अपना मुकाम बनाया है, तो मेरी यही विनती है आप लोगों से कि हमारे दीपक भाई को सपोर्ट करें और यहाँ के आर्टिस्टों की हेल्प करें, हौसला जाहिर करें। और जैसे कि अपना क्या नाम है, लोकेशन है और यहाँ की सिक्योरिटी है, उस पर ध्यान दें। एक एल्बम लॉन्च हो रहा है, इसमें मुख्य किरदार निभाया आपने विलेन का, उसका जो लॉन्चिंग होने वाली, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ है उसका? नहीं, बहुत खूब, बहुत अच्छा काम करने को मिला। मेरा नरेंद्र चौधरी नाम है मेरा, और दीपक चौधरी ने जो डायरेक्टर हैं इस एल्बम के, बहुत ही एक अहम किरदार मुझे दिया है इसमें करने के लिए, जो मैंने बखूबी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हुए निभाया है। और बाकी जब वो चैनल पर लॉन्च होगा, लोग देखेंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा वो गॉड गिफ्ट होगा मेरा। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समर्थन करें, सभी लोग सहयोग दें, और उसके बाद में बंसी वाले के हाथ में हूँ। किरदार निभाया आपने विलेन, मैं बड़ा अच्छा लगा। शकल जी विलेन लग रहे हैं आप तो, नरेंद्र पहलवान जी के साथ काम करते हुए उनका मेन किरदार था और हमारा साइड, और हमें बहुत अच्छा लगा। दीपक भाई ने हम लोगों को यहाँ तक बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप के लिए क्या कहेंगे? एक साल पूरा हुआ, पूरा ग्रुप बहुत अच्छा है और अपनी मेहनत लगन से काम करे आगे तक और जाने के लिए।